पहले दिन हमारे यहाँ 7 तारीख को एक विशाल रथ यात्रा भगवान जगदीश के मंदिर से प्रारंभ हुई थी, जो शहर के प्रमुख मार्ग होती हुई और जनकपुर ठाकुर की दूज को अपने मौसी के यहाँ पर जाते हैं और दशमी को वापस गिरधाम पधारते हैं। हमारी रथ यात्रा के अंदर इस बार हमने जो विशेष हमारे जो पालकी है ठाकुर जी की, वो लोग बाग उठाते हैं। इस बार हम लोगों ने रथ लिया है और वो पालकी ठाकुर जी रथ में विराजमान होंगे और नया बाजार चौपट पर करीबन 7:15 बजे एक महाआरती का दृश्य, अलौकिक दृश्य है, वो वहाँ देखने को मिलेगा कि हमारे जो पुजारी जी हैं चार भुजानाथ मंदिर के, वो आरती करते हैं और सामने जगन्नाथ भगवान और ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। हमारी यात्रा का जो मार्ग है वह भगवान जगदीश जी से प्रारंभ होकर आगरा के नया बाजार चौपट, वहाँ से चूड़ी बाजार, मदार गेट, नला बाजार होते हुए धान मंडी और धान मंडी से जनकपुरी हम लोग पहुँचेंगे। देखो इस आयोजन की कई विशेषता है। रथ यात्रा में जगन्नाथ रथ महोत्सव जो हमारा है, ये 10 दिवसीय आयोजन है। पहले दिन हमारे यहाँ 7 तारीख को एक विशाल रथ यात्रा भगवान जगदीश के मंदिर से प्रारंभ हुई थी, जो शहर के प्रमुख मार्ग होती हुई और जनकपुरी ठाकुर की दूज को अपने मौसी के यहाँ पर जाते हैं और दशमी को वापस गिरधाम पधारते हैं। हमारी रथ यात्रा के अंदर इस बार हमने जो विशेष हमारे जो पालकी है ठाकुर जी की, वो लोग बाग उठाते हैं। इस बार हम लोगों ने रथ लिया है और वो पालकी ठाकुर जी रथ में विराजमान होंगे और नया बाजार चौपट पर करीबन 7:15 बजे एक महाआरती का दृश्य, अलौकिक दृश्य है, वो वहाँ देखने को मिलेगा कि हमारे जो पुजारी जी हैं चार भुजानाथ मंदिर के, वो आरती करते हैं और सामने जगन्नाथ भगवान और ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। हमारी यात्रा का जो मार्ग है वह भगवान जगदीश जी से प्रारंभ होकर आगरा के नया बाजार चौपट, वहाँ से चूड़ी बाजार, मदार गेट, नला बाजार होते हुए धान मंडी और धान मंडी से जनकपुरी हम लोग पहुँचेंगे। 8 तारीख को प्रतिदिन 8 से 15 तक प्रतिदिन 6:30 से 7 बजे तक पंडित हरिचंद जी व्यास द्वारा जगन्नाथ जी की कथा का यहाँ वाचन होगा। इसके पश्चात 7:15 बजे हम लोग हमारे जो भी अटका प्रसाद वितरण वाले हैं, हमारे नेता हैं, हमारे अतिथि हैं, वो सब जो भी आएंगे उनके कर्तव्य द्वारा हम लोग यहाँ पर एक विशाल आरती करेंगे और उसके पश्चात हमारा प्रतिदिन का जो प्रोग्राम है वह यहाँ पर प्रतिदिन होगा। 8 तारीख को विशाल संध्या का हमने आयोजन रखा गया। 9 तारीख को एक यहाँ संगीत में भजन सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हम लोगों ने रखा। 10 तारीख को एक शाम 4 भुजा के नाम यहाँ पर भजन संध्या होगी। 11 तारीख को एक शाम भजन रस के नाम, 12 तारीख को एक शाम खाटू के नाम, 13 तारीख को एक शाम राधा रानी के नाम, 14 तारीख को एक शाम बाके बिहारी के नाम और 15 तारीख को हम लोग यहाँ पर एक रंगीला फाग उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। जो हमारे देश के ख्याति प्राप्त कलाकार अजमेर के, तो हमारे भाई बिमल जी हैं, इसके साथ साथ में निकुंज कामरा है, हेमलता जी है और ओम जी है, कई जो ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, वे हमारे भजनों की यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। 15 तारीख को हमारा जो फाग महोत्सव रहेगा उसमें हमारे दिल्ली के कलाकार और वृंदावन के कलाकार बंटी एंड जो पार्टी है वह अपने यहाँ पर प्रस्तुति लाइव जाके यहाँ प्रदर्शित करेंगे। 16 तारीख को दशमी को ठाकुर जी वापस अपने निजाम पधारेंगे, इसी मार्ग से यात्रा से उठे निजाम पधारेंगे। हमने इस बार विशेष जो हमारा भगवान का श्रृंगार होता है, प्रतिदिन जो फूलों का श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार तो होगा, इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ करीबन 600 से 700 स्क्वायर फुट की एक विशाल मैपिंग LED जो बैक साइड में दिए है, उस LED के अंदर हम लोग यहाँ लाइव का प्रोग्राम भी दिखाएंगे। उसमें हम लोग एक दिन पहले का आयोजन है उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। उस LED में हम लोग बाके बिहारी, श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश भगवान, सांवरिया सेठ, जगन्नाथपुरी, बाबा श्याम, गिरिराज जी, वो प्रोग्राम भी हम लोग यहाँ पर उसमें लाइव देंगे, क्योंकि प्रोग्राम विशाल रूप ले चुका है। और इस प्रोग्राम की विशेषता ये है कि अजमेर ही नहीं वरन किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाग, मेड़ता, नागौर, कुचामन, यहाँ तक कि भक्त लोग केवल मात्र रथ को हाथ लगाने के लिए, रथ को खींचने के लिए यहाँ से आते हैं। और इस आयोजन की बड़ी विशेषता है कि अटका प्रसाद होता है, जो प्रतिदिन यहाँ वितरण होगा अटका प्रसाद। कभी खिचड़ी बनेगी अटका प्रसाद के साथ में, कभी कदमभोग बनेगा, प्रतिदिन यहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है। हमारा प्रतिदिन का जो प्रोग्राम होगा वो 6 से 7 बजे तो हम कथा करेंगे, उसके बाद में 7:15 बजे एक महाआरती होगी, उसके पश्चात हमारी जो भजन संध्या है, जो भी हमारा प्रोग्राम है वो हम लोग करेंगे, और रात्रि 11 बजे पश्चात 11 बजे बाद में हम लोग यहाँ शयन आरती होती है, हमारी सामूहिक आरती, वो आरती करके प्रसाद का वितरण होगा। राकेश जिडवानिया, मेला संयोजक श्री अग्रवाल,
पंचायत मारवाड़ी धड़ा जनकपुरी गंज के तत्वावधान में भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये 7 जुलाई से 16 जुलाई तक ये कार्यक्रम रहेगा। कल शाम 5:30 बजे भव्य रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ मंदिर ऋषि घाटी से रवाना होगी। वहाँ से मुख्य मार्ग होते हुए आगरा गेट, नए बाजार, चौपड़, गोल प्याऊ, मदार गेट, नाला बाजार, दरगाह बाजार, दिल्ली गेट होते हुए अपने जनकपुरी 8 दिन के लिए विश्राम के लिए 8 दिन जनकपुरी रहेगी। 8 दिन जनकपुरी में रोज नित्य भगवान श्री के नए नए श्रृंगार होंगे। भगवान श्री के भजन की प्रस्तुति देने के लिए बाहर से आए कलाकार, रोज नए कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 8 तारीख को भगवान जगन्नाथ के इस कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। 8 तारीख को भगवान श्री का 7:15 बजे भव्य आरती होगी। उसके बाद में भजन संध्या शुरू होगी और एक अटका प्रसादी जो कि भगवान जगन्नाथ के ही बनती है, जो कि चावल केवल दूध में ही पकाए जाते हैं। उसमें दूध, केसर, घी, पंचमेवा के अलावा कुछ नहीं डलता है और यह प्रसाद पाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह अटका प्रसादी 8 तारीख से शुरू होगी। 14 तारीख को अन्नकूट प्रसादी है जो कि भगवान के लगभग 2000 किलो सब्जियों और करीबन 300 से 400 किलो चावल से बनेगी। 8 तारीख को दही प्रसादी का भी कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में भगवान को दही के प्रसाद और मीठे चावल ये दोनों का भोग लगेगा। 9 तारीख, 10 तारीख ये नियमित नए नए कलाकार जो कि यहाँ अपनी प्रस्तुति देंगे। 14 तारीख को अपने निकुंज कामरा दिल्ली से बता रही है। 13 तारीख जो है वृंदावन से बता रहे हैं और 15 तारीख को फाग उत्सव जो सर्वप्रिय लगता है यहाँ का, वो 15 तारीख को रंगीला फाग उत्सव मनाया जाएगा जो विमल गर्ग और उनकी स्वयं की पार्टी है और दिल्ली से आए बंटी एंड पार्टी अपनी प्रस्तुति देंगे इसमें। और 16 तारीख को भव्य यात्रा वापस जनकपुरी से मुख्य मार्ग से होती हुई जगदीशपुरी जगन्नाथ मंदिर विराजित होगी। ये उत्सव जो है राजस्थान में उदयपुर के बाद अजमेर का बहुत बड़ा उत्सव है। पूरे संभाग में अजमेर का ये सबसे बड़ी यात्रा है और सबसे बड़ा काम है। इसलिए इस यात्रा में सभी भक्त अपने आप में गौरवान्वित होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते हुए इतने लोग खींचते हैं, झाड़ू भगवान के रास्ते मार्ग पे झाड़ू लगाना, पानी का छिड़काव देना, भक्तों का बहुत आस्था है। पूरी के तर्ज पर उसी रूप में ये रथ यात्रा निकाली जाती है और दूज आषाढ़ शुद्ध दूज और दसव को ये समापन होता है। इस मेले में अधिक से अधिक भक्त पधारते हैं और मेरा ये निवेदन है कि आप के चैनल के माध्यम से अधिक से अधिक भक्त लोग यहाँ पधारें और इस धर्म लाभ ले और इस आनंद उठाएं। मैं अध्यक्ष संजय कंदोई एवं मेला संयोजक।